आया सूफिया मस्जिद जितना ही तकरीबन इंदा रकबा बनता है तो काफ़ी लम्मी है। इन तबलीग वास्ते मस्जिद बिल्कुल सामने बरामद है। घर ने ना किया ना भी 2 मिनट खलो जाओ न, रोटी डी जाती है तो नहीं खिलाते हूँ। इतने तो बड़े नहीं ठलीते है शारा का करना अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाँ भी आ वेखो बड़े सोहने सोहने राह आए कचड़े राह हाँ वेखो बड़ा सोहना राह है। जंगल च मंगलकर्मा ने मना छड़िया बड़ा सोहनी जगह मना छड़ी इन्हें बड़ी पूरे पाकिस्तान तो अजमेर शरीफ तो बड़ी बड़ी दुनिया दूरों इंडिया तो इंटरनेशनल लैवल तो दुनिया वेखण आँदी है जियारत कर आँदी है वे संगे मार मार तो क्या खूबसूरत मुड़ मस्जिद आखिर मस्जिद ही आँदी है। तो मैं ना उन्हें पैसे की भी अखीर लाइए सोहनी भी ढेर ही बनाई इन्हें तो माशाला माशाला क्या खूबसूरत नज़ारा है। आए फुल काफी आया सूफिया मस्जिद इस्तंबोल जी तुर्की दे विच वाक़ है इस्तंबोल वो मस्जिद सन 537 हिजरी बनाई गई है। गिरजाघर भी पहले रहा सी उस बाद मस्जिद फिर 2020 रजब तैयब उर्दगान जड़ा है तुर्की का सदर है उन्हें वो फिर मस्जिद अपना मस्जिद उन्हें कन्वर्ट की मस्जिद उन्हें फिर बना दी तो उन्होंने कापी पर मस्जिद बनाई गई है। इस मस्जिद का नाम रखा गया है आया सूफिया मस्जिद। तो इस मस्जिद की खास गल 5 साल के विच ए तमीर हुई 1 साल तक ये हूँ इन गेट खोले गए चली है मस्जिद। तो इन्होंने मस्जिद में ऑर्गनाइजर समझ लियो बनाने विच मेन किरदार अहम किरदार जिस शख्सियत है उन्होंने नाँ है पीर फैजल हसन शाह साहब। ये उन्होंने दरगाह भी इत्थे घर भी इत्थे उन्होंने जितना दरबारी निज़ाम है वह भी इत्थे ही है विजवा शरीफ आस्थाना वाली है विजवा शरीफ साढ़े पूरे हफजाबाद की सब तो वड्डी मस्जिद पाकिस्तान की भी आखी जाए। तो देखो क्योंकि आया सूफिया मस्जिद जितना ही तकरीबन इनका रकबा बनता है तो काफ़ी लम्मी है। इन तबलीग वास्ते बच्चों तबलीग की जाती पढ़ाया जाता है कुरान पाक हिफज कराया जाता है और भी काफ़ी इन फैसिलिटीज ने बड़िया अच्छी चीज़ा ने पढ़ने मिलता है। बाकी एक नज़ारा तो फिर क्या बात है फिर अंदर भी जाने जनाब अंदर भी दान विखाने तो दान बिल्कुल इन्हों की बरामदा ए वेखो ग्रीनरी वेखो सब्जा चेक करो। वो मस्जिद की खास गल इस मस्जिद की यह भी है कि वह तो मस्जिद चलो इस्तंबोल एक सिटी लैवल पर बनाई गई है एक जिमें आख्या जाता है ना एक पिंड लैवल से एड्डी मस्जिद पूरे हफजाबाद में टॉप करने वाली मस्जिद वड्डी मस्जिद एक मायने रखती है एक बड़ी वड्डी चीज़ है एक बड़ा वड्डा नाम कमाया है जिन्हें बनाई है क्या बात है। तुम अंदरों सारी मस्जिद के मनाजर विखावे इंशाल्लाह तो ना रहना जनाब बहुत ही वसी तरीन बरामद है चारों अतराफ मस्जिद के लोग बहते ने आराम करते हैं तो यह मस्जिद बिल्कुल अंदर जा रहे हैं तुम मस्जिद की खूबसूरती बच्चे फोटोग्राफी भी कर रहे हैं फोटो छेक रहे हैं बड़ी दूरों दूरों आउट कंट्री तो आवाम वेखना आ रही है क्योंकि इतनी खूबसूरत नज़ारा है चेक करो ना जनाब आए हाय आए करोड़ सजदे तो फिर सजदे तेरी बुलंदी नू ढेर सजदे जे काबे मैनू बुलावे मौला करांगा ओदे च फेर सजदे कलीम सजदे इच जेर हो जा गुनाहां नू करदे ही नहीं जेर सजदे। वाह क्या बात क्या बात। ऐ जनाब दरूद शरीफ पढ़न वास्ते एक जगह दा इंतजाम किया गया। हाँ जी आवाम बैठी बड़ी परेशान भी है लेकिन इन्हें यकीन भी ठीक जाना है दरगाह इस तू घर ने ना किया ना भी 2 मिनट खलो जाओ न रोटी डी जाती है तो नहीं खिलाते हूँ। इतने तो बड़े नहीं ठलीते है। हाँ भी सजनों वक्त हो गया हूँ जान का मुड़ आखिरकार घर जाना होंगे तो मस्जिद दिन विखाइए तो अगर तुम वीडियो साड़ी चंगी लगी हो चैनल लाइक सबसक्राइब करना नहीं भूलना तो शेयर करना भी नहीं भूलना। चंगा यारो रब रखा।
इंशाल्लाह अगली वीडियो मिलते हैं, सोने रब दे वाले।